देख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का नया टॉपिक जो हमने पिछले में पढ़ा है, उसी का एक और पॉइंट देख रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। लास्ट टाइम पे हमने देखा था नेचर ऑफ मेटल, जो सरफेस होती है उसका नेचर देख रहे थे हम, गैस का नेचर कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन। आज हम देख रहे हैं एड्सॉर्प्शन को एक और फैक्टर इफेक्ट करता है जो कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है, देखिए सरफेस एरिया जो है वो जितना ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में होगा या सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ हमने डेफिनेशन दी है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर विल बी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे कि फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक प्लेटिनम पैलेडियम एक्सेट्रा एंड पोरस सब्सटेंस लाइक चारकोल हैव लार्जर सरफेस एरिया एंड शो लार्जर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि चारकोल जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो चारकोल जो पाउडर होता है उसके ऊपर अगर आप कोई भी गैस फ्लो करवाओगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा। तो पार्टिकल जो है उसके पाउडर फॉर्म में होने से, जैसे आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि पाउडर फॉर्म में होने से पार्टिकल के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है वो ईजिली एंटर करेगी और इसके अंदर अपनी स्पेस बना लेगी। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है ये कोई मेटल ली गई है पाउडर फॉर्म में, और यहाँ पर आप अगर कोई गैस इसके अंदर फ्लो करवाते हो जैसे H2 है N2 है, तो ये गैसेस जो है इसके अंदर इजीली जाके इन स्पेस के अंदर एड्सॉर्ब हो जाएगी। ये स्पेस है तो इतनी स्पेस के अंदर एड्सॉर्प्शन होने के लिए क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इनको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इजीली इनको स्पेस यहाँ पर मिलता है। इसलिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है एड्सॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए हम दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे आप एब्जॉर्प्शन में भी देखते हो कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। जैसे आप वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हो तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, अच्छे एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में भी वही प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन भी ऐसा ही होता है कि जितना ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, एड्सॉर्ब होगा। तो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को कौन इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया। अगर कोई मेटल हार्ड होगी, हार्ड सरफेस होगी, तो सॉलिड सरफेस पर एड्सॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, लो हो जाएगी उसकी क्वांटिटी, क्योंकि हार्ड सरफेस या सॉलिड सरफेस पर उसको स्पेस नहीं मिल पाएगी, इस वजह से एड्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए सरफेस जो है पोरस सरफेस होनी चाहिए, पाउडर फॉर्म में अगर हम मेटल लेंगे तो वो जल्दी से किसी भी गैस को एड्सॉर्ब करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका अगले वीडियो में देखेंगे हम।